आज हम आपके लिए कच्चे केले से बनने वाली एक ऐसी चटपटी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसे देखकर और बनाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसे बनाकर आप खा लेंगे ना आप बड़े बड़े ढाबे और होटल का स्वाद भूल जाएंगे ये इतनी गजब की और लाजवाब बनती है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है तो चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने लिए हैं पांच कच्चे केले और अब हमें लेना है एक फ्लैट बर्तन जिसमें हमने पानी भरकर रखा है और इसी बर्तन में हमें केले के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं जी हाँ दोस्तों हमने जितने केले लिए हैं उसके हम छोटे टुकड़े करेंगे ताकि हम सारी चीज़ें इसमें आसानी से पका पाएँ तो ये देखिए दोस्तों केले हमने काट लिए हैं अब इसमें डालेंगे हम दो हरी मिर्च साथ ही मैंने टमाटर लिए हैं टमाटर के ऊपर आपको इस तरीके से कट्स के निशान लगाने हैं और मैंने तीन टमाटर को इसी तरीके से कट करके इसी में ही ऐड कर दिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग पाँच बादाम लगभग पाँच से छः हमने लिए हैं काजू अब दोस्तों इसे हमें गैस पर रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर दोस्तों इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़े से धनी के डंठल भी डालेंगे और इसे पकने देंगे जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा देखिए जो बनाना है वो अपना काला कलर छोड़ता है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है जैसे ही ये लगभग सात से आठ मिनट पक जाएंगे ना दोस्तों तब आपको नाइफ से चेक करना है कि जो केले हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट होने चाहिए मतलब ये ओवर कुक नहीं होने चाहिए परफेक्ट कुक हो जाने चाहिए अब इसे हमें छान लेना है और छानने के बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हमें लेना है एक मिक्सर का जार और इसमें एक बड़ी प्याज को रफली चॉप करके डाल देना है साथ ही डालेंगे दो छोटी टुकड़े दालचीनी के लगभग चार से पाँच हमने लौंग डाले हैं लगभग दो हमने हरी इलायची डाली है और यहाँ पर चार से पाँच मैंने काली मिर्च डाली है दोस्तों ये जो फ्रेश मसाला है ना इस सब्जी में एक जान डालेगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और इसे हमें पीस लेना है पानी वगैरह नहीं डालना है चलिए दोस्तों अब जो टमाटर काजू बादाम और जो मिर्च थी धनी के डंठल थे वो ठंडे हो चुके हैं और टमाटर के ऊपर से आपको ये छिलके निकाल देने हैं छिलके निकालने से जो ग्रेवी है वो एक्स्ट्रा स्मूथ बनती है और अच्छे से छिल लेने के बाद फिर से इसे मिक्सर के जार में डाल देना है और अब दोस्तों इसे हमें पीसना है पीसने के लिए मैंने अगारों का मिक्सर ग्राइंडर लिया है और अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बन जाने के बाद हमने जो केले के टुकड़े रखे हैं उन्हें छिल लेना है देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और कितने आसानी से इसे हम छिल पा रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं है अब इसे हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और जैसे ही हम इसे ग्रेट करेंगे ना तब भी आप इन केले का टेक्सचर दिख लीजिए अगर ये ओवर कुक हुए ना दोस्तों तो आपको इनके कोफ्ते बनाने में काफ़ी परेशानी होगी तो ऐसे ही आपको बॉईल करना है अब यहाँ पर डालेंगे हम आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट एक छोटी वाली प्याज है बिल्कुल फाइन चॉप करके ऐड करना है थोड़ी सी डालेंगे हरा धनिया और ये है फ्रेश कोकोनट का पेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और बाइंडिंग के लिए टू एंड द हाफ मतलब ढाई टेबल स्पून बेसन डालेंगे बेसन ज़्यादा नहीं डालना है और फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों यहाँ पर हमारे जो केले थे वो ज़्यादा ड्राई थे मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे इसके लिए बाइंडिंग हमें कम लगा है और इससे कोफ्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो काफ़ी सॉफ़्ट बनते हैं अगर आप बेसन ज़्यादा डालेंगे ना तो कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं ये देखिए दोस्तों कितना स्मूथ और कितना परफेक्ट इसका बॉल बना है और इसी तरीके से सारे बॉल्स बना लेने हैं अब हमें तेल को गरम करना है और इस गरम तेल में इन कोफ्तों को फ्राई करना है लेकिन ध्यान यही रखना है ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है तेल जैसे ही गरम होगा हमें कोफ्ते को डालना है और फिर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पकाना है हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे तो इस तरीके से सारे कोफ्ते हमें फ्राई कर लेना है और ये कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं आप देख सकते हैं तो चलिए हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं अब कढ़ाई में हमें लेना है तेल तो मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून तेल लिया है इसमें डालेंगे हम जीरा।, जीरा जीरा जैसे पक जाएगा जो हमने पेस्ट बनाई थी टमाटर प्याज की वो डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये है धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर साथ ही जो हमने प्याज पीस कर रखी थी सारे साबुत मसालों के साथ उसे भी डाल देना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है दोस्तों इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे और अच्छे से भूनेंगे तो इसे भूनने के लिए हम इसका ढक्कन लगाएंगे और धीमे धीमे आँच पर पकने देंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सात से आठ मिनट हमने इसे भूना है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है अब दोस्तों हमें इसमें ऐड करना है फ्रेश क्रीम क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ होना चाहिए अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं तो दो टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम डाली थी और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है अब देख सकते हैं ग्रेवी कितनी स्मूथ और क्रीमी है अब यहाँ पर ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे नमक हमारे स्वाद अनुसार डालेंगे हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें कोफ्ते डाल देने हैं दोस्तों कोफ्ते डालने के बाद इसे भी हमें अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करना है और इन्हें पकाना है तो इसे पकाने से पहले इसमें और एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे कच्ची मिर्च लगभग चार से पाँच इनका सिर्फ फ्लेवर आएगा तीखापन नहीं आएगा और इसे ढककर कर सात से आठ मिनट के लिए हम पकने देंगे और ये देखिए दोस्तों जैसे ही ये कोफ्ते पक जाते हैं ना अपने साइज़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्रेवी अच्छे से ये सूख कर लेते हैं और अंदर तक सॉफ्ट और मुलायम ये केले के कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं चले दोस्तों अब इसे सर्विंग बोल में निकालते हैं तो ये देखिए दोस्तों कितने छोटे साइज के ये कुफ्ते थे लेकिन पकने के बाद इनका साइज़ भी बढ़ चुका है और ये काफ़ी टेस्टी भी बन चुके हैं अब इन्हें हमें एक सर्विंग बोल में निकाल लेना है और इसके ऊपर ये गर्मा गर्म ग्रेवी डालना है और साथ ही ऊपर से हम थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से इसे गार्निश करेंगे तो ये जो केले के कोफ्ते हैं ना आप अपने गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं काफ़ी मज़ेदार बनती है ऊपर हरा धनिया और काजू से इसे गार्निश कीजिए और इसे रोटी चपाती पराठे नान के साथ सर्व कीजिए चाहे तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही गजब की लगती है और चलिए अब इसे तोड़कर भी दिखाते हैं कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं ये देखिए दोस्तों है ना बहुत ही शानदार रेसिपी तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई करना रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना